तो दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता संजय कपूर स्टारर वेब सीरीज द लास्ट आवर हाल ही में अमेजोन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है। इस सीरीज ने सलमान खान की फिल्म राधे से ज़्यादा दर्शकों की वाहवाही लूटी है। IMDB द्वारा दी जाने वाली रेटिंग की बात करें तो संजय कपूर की सीरीज को 10 में से 8 रेटिंग मिली है। वहीं सलमान खान की राधे को IMDB ने केवल 3 रेटिंग ही दी है। संजय कपूर की इस सीरीज को काफ़ी पसंद किया जा रहा है, वजह है फिल्म का कंटेंट। वैसे तो इस प्रकार का कंटेंट हम हॉलीवुड में ज़्यादा देखते हैं, लेकिन हिंदी सिनेमा में इस तरह का कंटेंट काफ़ी कम देखने को मिलता है। अक्सर कहा जाता है कि समय को कोई पीछे नहीं खींच सकता, हालांकि ये सब असल ज़िंदगी में तो मुमकिन नहीं है, लेकिन सिनेमाई दुनिया में कुछ भी संभव है। इस सीरीज़ में लाइफ आफ्टर डेथ वाले मोड़ को बहुत ही अच्छे से बयां किया हुआ है। ये सीरीज़ वैसे तो थोड़ी स्लो है, लेकिन हाँ, देखने लायक है। इस सीरीज़ की कहानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक छोटे से शहर को लेकर बुनी गई है। ये ऐसा शहर है जहाँ पर सभी खुशी खुशी बहुत ही शांति से रहते हैं। यहाँ का क्राइम रेट बहुत कम है। फिर आती है कहानी में ट्विस्ट, जब शहर में होता है एक सीनियर पुलिस ऑफिसर अरूप का ट्रांसफ़र। अरूप का किरदार संजय कपूर ने निभाया है। अरूप का ट्रांसफ़र मुंबई से नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इस शहर में किया जाता है। अरूप की पत्नी मर चुकी है और वह बस जिंदगी में थोड़ा सुकून चाहता है। सब कुछ बहुत ही शांत चल रहा होता है, तभी शहर में अजीबोगरीब घटनाएं होने स्टार्ट हो जाती है। एक दिन एक लाश मिलती है जिसकी तफ्तीश में अरूप बिजी हो जाता है। इसी दौरान एक लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम है देव। ये लड़का एक ऐसे समुदाय से ताल्लुक रखता है जो कि आत्माओं से कनेक्शन रखते हैं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन फिल्म में कुछ भी संभव है। अब देव ही ऐसा बंदा है जो कि इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर सकता है, लेकिन कैसे, इसके लिए तो आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी। संजय कपूर के अलावा इस सीरीज़ में राइमा सेन, रोबिन तमांग, शायना गोस्वामी जैसे कई कलाकार अहम भूमिका में हैं। इसका निर्देशन अमित कुमार ने किया। ये एक सस्पेंस थ्रिलर और क्राइम से लेस सीरीज़ है। वहीं सलमान खान की राधे की बात करूँ तो ये फिल्म 13 मई को G5 पर रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को दर्शकों की मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। फिल्म ने भले ही OTT प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन ये फिल्म दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आई। अब ये रिकॉर्ड कैसे बना ये तो OTT वाले ही जाने, लेकिन IMDB की रेटिंग ने ये साफ किया है कि सलमान की राधे बुरी तरह से फेल हुई है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें आपको मिलती है इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।